और गाजियाबाद से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर एसवीपी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर जीडीए का डंडा चढ़ा है। रेजिडेंट्स और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन की शिकायत पर जीडीए ने इंडियन एयरफोर्स के सामने बनी एसवीपी बिल्डर के गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में सीलिंग की कार्रवाई कर दी है। दरअसल बिल्डर बगैर अनुमति के 2 मंजिल अतिरिक्त निर्माण का काम कर रहा था, जिसकी शिकायत जीडीए में की गई थी। पहले भी बिल्डर ने सोसाइटी में बिना इजाजत के इस तरह के निर्माण कार्य किए थे और बाद में जीडीए अधिकारियों से मिली भगत कर उसे वैध ठहरा दिया गया था, लेकिन इस बार आरडब्ल्यूए ने समय रहते बिल्डर की शिकायत की, जिसके बाद यह कार्रवाई जीडीए की तरफ से की गई है। रेजिडेंट्स ने बिल्डर पर कॉमन एरिया बेचने और पार्किंग एरिया में भी निर्माण कराने का आरोप लगाया है। रेजिडेंट्स का कहना है कि वो बिल्डर की मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। तो बिल्डर यहां मनमानी करता है, हालांकि अब सीलिंग की कार्रवाई जीडीए ने कर दी है। गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिल्डर परेशान थे, 8 मंजिल तक बनाने की इजाजत थी, लेकिन 2 और मंजिल पर निर्माण का काम हो रहा था। इससे पहले भी 6 मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन इसके बाद बगैर परमिशन के निर्माण का काम शुरू किया गया। हालांकि बाद में जीडीए की तरफ से उसे परमिशन मिली, लेकिन अब अवैध तरीके से फिर इसने निर्माण का काम शुरू किया। जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो लोग वहां रहते वो परेशान थे, क्योंकि उनके कॉमन एरिया को भी बेचा गया। जीडीए जो कार्रवाई किया बहुत अच्छा किया है, यहाँ पर बिल्डर की बड़ी मनमानी है, न कोई सिक्योरिटी पर्पस है, न कोई है, जहाँ इच्छा करता है मनमानी करता है बिल्डर यहाँ पर। आरडब्ल्यूए के यहाँ के रेजिडेंट्स का सपोर्ट है और आरडब्ल्यूए के लिए हम लोग आभारी हैं रेजिडेंट्स कि ये कदम उठाया है। देखिए, इसमें गुलमोहर ग्रीन अपार्टमेंट एसोसिएशन काफी पिछले 1 साल से इसमें प्रयास कर रहा था और जीडीए और बिल्डर के अगेंस्ट जितना भी एक्शन ले सकते थे हम लोग, उसमें हमने आरटीआई के थ्रू प्लस जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, वहां से भी हमने उसके थ्रू उसमें रजिस्टर्ड कराया केस कोर्ट में, उसका भी प्रेशर जीडीए और बिल्डर पे बना। पहले तो जीडीए कोई खास एक्शन नहीं ली, लेकिन उसके बाद में बराबर हम लोग वीसी से मिलते रहे और बाद में इनका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, हम लोगों ने एजिटेशन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा था। तब हम लोगों ने जाकर फिर जीडीओ को बोला कि यह बात सही नहीं है, या तो आप सील कीजिए, नहीं तो आपके बोलने से बिल्डर काम रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद ही यह चारों टावर जो है 9th और 10th फ्लोर सील किया गया। और विजय कुमार जिंदल जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि एसवीपी ग्रुप के सीएमडी हैं। विजय साहब, ऐसा अवैध निर्माण का काम क्यों करा रहे थे आप, ऐसा काम क्यों कर रहे थे जिस पर आप सीलिंग की कार्रवाई हो गई है? कोई मेरा अवैध निर्माण नहीं चल रहा, मेरे चारों टावर जो है, चारों टावर पास है, उसे 8 फ्लैट है, जिसकी कंपाउंडिंग बाकी है मेरी, वो कंपाउंडिंग मैं करा लूंगा, तो कंपाउंडिंग के लिए मैं एप्लीकेशन लगा दिया, कंपाउंडिंग करवाने जा रहा हूँ उसकी। और कोई मेरा पूरी सोसाइटी में कोई अवैध निर्माण नहीं है, सिर्फ आजकल ये हो गया है कि बिल्डर के खिलाफ एक बात करना का शोभा समझी जाती है, वही बात हो रही है। नहीं तो फिर सीलिंग की कार्रवाई क्यों कर दी गई जब आप कंपाउंडिंग नहीं हुई है? कंपाउंडिंग कर दूंगा, करा लूंगा, उसमें कंपाउंडिंग कराने जा रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि जीडीए गलत कर रहा था, तो आप कंप्लेन करेंगे जीडीए के खिलाफ? नहीं नहीं, गलत मैं कंपाउंडिंग करानी है, जीडीए ने है, जीडीए करेगा कंपाउंडिंग, जीडीए कंपाउंडिंग खोल के उसको खोल देगा जी। नहीं, आपको 8 मंजिल तक बनाने की अनुमति थी, आप 9 और 10 मंजिल भी बना रहे हैं, यही तो अवैध निर्माण है जो आरडब्ल्यूए कह रहा है। नहीं नहीं, उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, जो चीज कंपाउंडिंग में है वही चीज मैं कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अनुमति मिल गई, वैध हो गई? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता है मनवे अनुमति, तो फिर निर्माण क्यों हो रहा था? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब कंपाउंडिंग का ये मतलब नहीं तो निर्माण क्यों कर रहे थे आप? नहीं नहीं, कंपाउंडिंग तो हो सकती है उसकी जी, ये रूल के मुताबिक है, जीडीए का रूल है कंपाउंडिंग कराने का। 2006 में भी आपने ऐसा ही किया था, आपको 6 मंजिल तक बनाने की अनुमति थी, इसके पहले ही आपने निर्माण काम शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मेरे को सारे बाकी मेरे टोटल जितने फ्लैट है सारे पास है, कोई एक फ्लैट भी ऐसा नहीं है जो मेरा पास ना हो उसे जी। मतलब ये साफ है विजय जी कि पहले आप इलीगल काम करते हैं, उसको फिर वैध कराते हैं? नहीं नहीं, कोई इलीगल काम नहीं है। आपने डाल दी, इसका मतलब इलीगल तरीके से आप काम शुरू कर चुके हैं? नहीं, कोई इलीगल काम नहीं है मेरा जी, मेरा कोई इलीगल काम नहीं है, पूरी सोसाइटी में 1000 फ्लैट है, तो 1000 फ्लैट में फिर जेन्युइन है ना। मैं आपको बताता हूँ, आपके 4 टावर है, ठीक है, 4 टावर में आपका निर्माण काम चल रहा है और 8-8 फ्लैट आपके सील हुए चारों टावर में, चारों टावर में 8 फ्लैट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, और आरडब्ल्यूए कह रहा है कि आपने कॉमन एरिया ग्रीन एरिया भी बेच दिया। नहीं, कोई एरिया नहीं बेचा, बिल्कुल गलत कह रहा है जी। तो विजय जी, आप अगर जीडीए गलत है, उसने सीलिंग की कार्रवाई कर दी, तो आप उसके खिलाफ शिकायत करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, मैं उसका कंपाउंडिंग डाल रहा हूँ ना, जीडीए ने, जीडीए कंपाउंडिंग करेगा, कोई और तो नहीं थोड़ी डिपार्टमेंट ने करनी है। जीडीए ने ही तो एक्शन लिया, सब कुछ देख के किया, कोई बात नहीं है उसमें। विजय जी, मैं करने जा रहा हूँ,
आपके इतने, मेरी बात तो सुनिए, दूध के धुले हैं तो फिर जीडीए ने जो एक्शन लिया है तो उसके खिलाफ दूध के धुले की बात नहीं कर रहा था मैं। जो चीज है कमोलिंग होगी तो कमोलिंग, ये कमोलिंग करवा सकता हूँ तो कमोलिंग होगी, अगर कमोलिंग नहीं होगी तो कोई गल नहीं जीडीए करेगा। तो सिली की कार्रवाई सही है ना है? सिली की कार्रवाई सही की जीडीए ने? नहीं, सीलिंग उसने करी आठ फ्लैटों की, मैं नहीं कहता सीलिंग करी आठ फ्लैट में, कोई टावर नहीं मेरे सारे टावर मेरे सारे। मैं क्या बताऊं कि सीलिंग का मतलब ही है कि आपने अवैध काम किया है, चाहे अवैध काम नहीं करा, मैं अवैध काम नहीं करा ये। तो सीलिंग को आप अवैध नहीं मानते, जीडीए गलत कर रहा है आपके मुताबिक? नहीं, आप उस चीज को ना, जीडीए गलत कर रहा है, जो चीज हो सकती है कमोलिंग एरिया में वो हो सकती है, आपको जेन्युइन है। आप तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आठ फ्लोर नहीं है, सोलह फ्लैट्स हैं ये जो सीज किए गए हैं। सोलह विजय जी, सोलह हैं। आप आए बने नहीं है वो अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, निर्माण तो आप कर रहे थे ना, सीलिंग की कार्रवाई की गई सोलह फ्लैट्स में? नहीं, सीलिंग कार्रवाई करी गई है, मैं नहीं कहता सीलिंग कार्रवाई करी गई। तो फिर आप गलत हैं। शुक्रिया शुक्रिया विजय कुमार जी, शुक्रिया विजय कुमार जी, जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है जीडीए की तरफ से, बिल्डर अपनी मनमानी पर उतारू।